इस वीडियो में आप केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखेंगे। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान न तो कोई एटम यानी परमाणु नष्ट होता है और न ही बनता है। वो न तो किसी चीज से बन सकते हैं और न ही नष्ट हो सकते हैं। अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो बिना किसी चीज के आप एटम बनाने की कोशिश करें। किसी भी केमिकल रिएक्शन में किसी भी एटम की संख्या नहीं बदलती, हालांकि कंपाउंड्स यानी यौगिक में वो खुद को अलग अलग तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं। यहाँ पे ये ऑक्सीजन के 6 एटम्स हैं, यहाँ पे और यहाँ पे भी, लेकिन सभी में ऑक्सीजन एटम्स अलग अलग तरह से व्यवस्थित हैं। केमिकल रिएक्शंस में बस एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है। हम केमिकल रिएक्शंस को इक्वेशन के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इक्वल साइन के दोनों ओर एटम्स की संख्या समान रहती है। जब आप केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं तो एटम्स सीधी तरह बैलेंस नहीं होते। एटम्स के कंजर्वेशन के लिए केमिकल इक्वेशन बैलेंस की जाती है और उसके लिए कंपाउंड्स के सामने नंबर लिखते हैं। यहाँ पे हम O2 के 3 मॉलिक्यूल से शुरू करेंगे। इस फॉर्मूले में ऑक्सीजन के कुल 6 एटम्स हैं। फॉर्मूले में टोटल एटम्स पता लगाने के लिए हमने सबस्क्रिप्ट या ऑक्सीजन में जो छोटी वाली नंबर है उसको 3 से मल्टीप्लाई किया है। 3 × 2 = 6 होगा और इस तरह हमें ओजोन के 2 मॉलिक्यूल्स यानी अणु मिल जाते हैं। अब यहाँ पे सबस्क्रिप्ट 3 है, इसलिए जो नंबर सामने लिखी जाएगी वो 2 होगी, क्योंकि 6 तभी आएगा जब 3 का 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। सामने लिखी गई बड़ी संख्या फॉर्मूली में सब कुछ बदल देती है, वहीं दूसरी ओर सबस्क्रिप्ट में लिखी गई दूसरी संख्या सिर्फ एलिमेंट को बदलती है। जब आप इस तरह के अलग अलग फॉर्मूलों के सिंबल्स को इस्तेमाल करना सीख जाएंगे तो इस तरह आसानी से मॉलिक्यूल्स का पता लगा सकते हैं। Na2O में सोडियम के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम है, जबकि SnO2 में टिन का 1 एटम है और ऑक्सीजन के 2 एटम हैं। हमारे पास अगर 2Na2O है तो हमारे पास सोडियम के 2 × 2 4 एटम्स होंगे, लेकिन ऑक्सीजन के सिर्फ 2 × 1 यानी 2 ही एटम्स होंगे। वीडियो रोक के बताइए कि इन कंपाउंड्स में ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं। रेडी? यहां पे याद रखने वाली बात यह है कि अगर इसके बगल में कोई नंबर नहीं है तो यहां पे 1 होगा, ना कि 0।